Dear students, in this topic we shall discuss the stomach, which is a storage part of the foregut. The major function of, functions of the stomach are it acts as the major storage organ of the foregut it also carries out initial stages of protein digestion it secretes an enzyme pepsin in its inactive form pepsinogen in an acidic environment which is produced by the secretion of hydrochloric acid or hcl stomach ache or major function मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ द फूड है विच इनवॉल्व ग्राइंडिंग ऑफ द कॉन्टेंट्स ऑफ फूड विद द मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ इट्स वॉल्स। ग्राइंडिंग के अलावा इट ऑल्सो मिक्सिस फ़ूड विद डाइजेस्टिव जूसेस वटिब्रेट्स में स्टोमिक्स की Two major types by identified, which are based on the number of chambers of stomach. Stomachs may be monogastric. Stomachs are digastric. Stomachs. Monogastric stomachs consist of a single, strong muscular tube or sac. For example, the stomachs found in carnivores and omnivores. Digastic stomachs multi chambered. They are found in ruminant mammals belonging to the order Artiodactyla. For example, deer, giraffe, sheep, cattle, camel, and llama have. डाइगेस्ट्रिक मल्टी चैम्बर्ड स्टोमिक्स जो डाइगेस्ट्रिक स्टोमिक्स होते हैं इनकी दो मेजर डिविजन होती हैं हार्ट डिवीजन में दो दो चैम्बर्स होते हैं इस तरह से ओवरऑल दे हैव फोर चैम्बर्स लेकिन दो डिवीजन फर्स्ट डिवीजन हैज फर्मेंटेशन चैम्बर्स विच आर कार्ड रोमन एंड रेटिकुलम जबकि दूसरी डिवीजन में ओमेसम और एब ओमेसम होते हैं इन चैम्बर्स को ट्रू ट्रूस्टोमिक जो कि बेसिकली सिक्यूरिटरी होता है इन्हें ट्रूस्टोमिक समझा जाता है फर्स्ट वी शैल डिस्कस फर्मेंटेशन चैम्बर्स रूमन एंड रेटिकुलम विच रिसीव फ़ूड और वेजिटेशन आफ्टर ग्रेजिंग चूंकि ये हर्बिवर्स रूमिनेट्स में पाए जाते हैं तो उनकी फूड वेजिटेशन होती है ऐसे एनिमल्स ग्रेजिंग के वक्त अपनी फूड को रूमन में भेज देते हैं दीज चैम्बर्स एक्ट एज फर्मेंटेशन चैम्बर्स दीज चैम्बर्स हैव ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टेरिया एंड प्रोटोजॉन्स ज माइक्रोब्स फर्मेंट द कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट ऑफ द इंजेस्टेड फूड एंड कॉज देयर एक्सटेंसिव डाइजेस्टिव ब्रेकडाउन ओमेसम और एब ओमेसम में से जो ओमेसम है यह अनडाइजेस्टिड फूड को र्यूमन से रिसीव करता है इसके साथ साथ फूड के साथ जो बहुत सारे सिम्बायोटिक माइक्रोब्स रोमन में रहते थे वो भी ओमेसम में आ जाते हैं एब ओमेसम जो है वो ट्रू होमोलोग है स्टोमिक का जो कि नॉन रोमिनेट्स में सिंगल चैंबर के तौर पे पाया जाता है ये ट्रू स्टोमिक इस तरह से है कि इट हैज सिक्यूरिटी रोल इट सिक्रिट्स द डायजेस्टिव इंजाइम करेक्टिस्टिक ऑफ दी स्टोमिक एंड ऑल्सो डाइजेस्ट समोटीन पार्ट ऑफ द फूड डियर स्टूडेंट बर्ड्स का स्टोमिक भी मल्टी चैम्बर्ड है इट हैज टू चैम्बर्स इसके जो दो चैम्बर्स हैं उनको प्रोवेंट्रिकुलस और वेंट्रिकुलस कहते हैं

चैंबर ये जो गिजर्ड है इसके पास सेंट पेबल्स या स्टोन भी होते हैं जो कि सॉल्विंग की वजह से इसके अंदर रह जाते हैं ये स्टोन्स जो हैं ये ग्राइंडिंग ऑफ सीड्स एंड ग्रेन्स में हेल्प करते हैं कुछ फिशेज इंसेक्ट्स और डेकापोर्ट क्रस्टेशियंस के स्टोमिक्स भी इसी बर्ड्स वाले पैटर्न की वेरिएशन